हेलो हाय फ्रेंड मैं भी टू तिवारी फ्रेंड्स आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है इससे पहले फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सी एस आई आर नेट दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन पार्ट सी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स ये क्वेश्चन आपका मेट्रिक स्पेस से लिया गया है और क्वेश्चन एक कि यदि हम लेवल की बात करें तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है समझते हैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट और इसके ऑप्शन को भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बारीकी से देखेंगे ठीक है तो यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट क्या कहता है कहता है लेट एक्स टी ब कंपैक्ट मैट्रिक स्पेस और जो भी चीज़ें छिपी होती है वो क्वेश्चन के अंदर ही होती है ठीक है एक्स डी आपका कैसा है वो मैट्रिक स्पेस तो है लेकिन साथ ही साथ ये आपका कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है ओके okay? लेट फिर इन्होंने क्या, क्या किया है कि कहा है ये कि टी जो है आपका एक्स से लेकर के एक्स के ऊपर क्या है एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है दैट मीन्स जो टी फंक्शन है वो आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ठीक है और क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को इनफीम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जब आप डिस्टेंस लेते हो टी एन एक्स टी एन वाई के बीच दो आप फंक्शन के बीच डिस्टेंस लेते हो तो उनकी जो इनफीम डिस्टेंस है वो आपकी कभी भी जीरो नहीं आती है ठीक है फिर यहां पे कहता है फॉर एवरी एक्स 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 वाई 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 बिलोंग्स टू टू कैपिटल नॉट मतलब जो पॉइंट और y है वो पॉइंट आपका सेम नहीं है डिस्टिंक्ट पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है मतलब डिस्टिंक्ट पॉइंट के ऊपर उनकी इमेज है ठीक है देन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू कौन सी स्टेटमेंट आपको बतानी है आपको ट्रू स्टेटमेंट बतानी है ओके फर्स्ट ऑप्शन कहता है टी इज वन वन फंक्शन जो आपका कंटिन्यूस फंक्शन है वो फंक्शन कैसा है वन वन फंक्शन है दूसरी बात इन्होंने कहा है कि टी इज नॉट नोट फंक्शन अब देखिए एक बार ये कह रहा है कि टी इज वन वन फंक्शन फिर ये कह रहा है टी इज नॉट वन वन फंक्शन वन वन होगा या फिर वन वन नाट दोनों में से कोई एक ऑप्शन ट्रू होगा मतलब फर्स्ट और सेकेंड के अंदर यदि हम ट्रू ऑप्शन की बात करें तो ओनली वन ऑप्शन ही ट्रू हो सकता है तीसरे और चौथे पे इमेज ऑफ टी इज क्लोज इन एक्स एक्स के अंदर जो टी की इमेज होगी फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन की जो इमेज है वो एक्स के अंदर क्या होगी क्लोज्ड होगी फोर्थ ऑप्शन में कहता है इफ़ यक्स इज ए फाइनाइट देन टीज आंटू जब आपको फाइनाइट सेट से फाइनाइट सेट के ऊपर कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा तो उस केस में जो आपकी मैपिंग होगी टी जो आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो कैसा होगा आंटू फंक्शन बनेगा अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास रिजल्ट का भी एनालिसिस होना चाहिए रिजल्ट का भी यूज आप कर सकते हो और यहाँ पे कुछ चीज़ें छिपी हुई है उनसे भी आप गेस ले सकते हो आइडिया ले सकते हो और लेने के बाद अपने क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व कर सकते हो ठीक है समझते हैं एक्स डी आपका क्या है कंपैक्ट मेट्रिक स्पेस है क्या है एक्स डी आपका कम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस है ओके okay? आपको रियल एनालिसिस के अंदर और मेट्रिक स्पेस के अंदर जो कंपैक्ट वाली कंडीशन है जो रिजल्ट है वो हम एक बार डिस्कस कर देते हैं ठीक है कंपैक्ट के लिए अलग है कहाँ पे मेट्रिक स्पेस में और रियल एनालिसिस के अंदर इसका अलग से रिजल्ट है ठीक है अब रिजल्ट क्या है उसको समझते हैं मेट्रिक स्पेस के अंदर क्या है मेट्रिक स्पेस के अंदर जब आपका मेट्रिक स्पेस कंपैक्ट होगा वहां पे इफ का कंडीशन है मेट्रिक स्पेस में और रियल एनालिसिस के अंदर इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है ठीक है इन आ मेट्रिक स्पेस इफ एक्स डी इज कंपैक्ट क्या है कंपैक्ट है कब कंपैक्ट होगा जब आपका जो सेट एक्स है वो आपका क्लोज्ड प्लस बाउंडेड हो ठीक है देखिए क्या है एक्स डी इज कंपैक्ट रिजल्ट है ये आपका एक्स डी इज कम्पैक्ट इफ एक्स कौन एक्स इफ एक्स इज क्लोज एंड बाउंडेड ओके अब यहां पे यदि यह हम रियल एनालिसिस के अंदर बात करें ये तो आपका मैट्रिक स्पेस के अंदर रिजल्ट रहा यदि यहां पे हम रियल एनालिसिस के अंदर इसी रिजल्ट को देखें तो ये क्या होता है एक्स इज कम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ एक्स इज क्लोज एंड बाउंडेड मीन्स जब आपका सेट कम्पैक्ट होगा तो वो सेट आपका क्लोजड प्लस बाउंडेड होना चाहिए यदि आपका क्लोज प्लस बाउंडेड है तो वो सेट आपका कंपैक्ट सेट है बट मेट्रिक स्पेस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है यदि कम्पैक्ट है तो क्लोजड प्लस बाउंडेड होगा यदि क्लोज्ड प्लस बाउंडेड है तो हो सकता है कि वो आपका कंपैक्ट ना बने ठीक है ये आपका रिजल्ट रहा अब यहाँ पे देखिए इसका यूज कीजिए क्या है इसका यूज कीजिए बाकी मेट्रिक स्पेस की जो डेफिनेशन है वो तो आपको पता ही है ठीक है उसके ऊपर हम नहीं जाना चाहेंगे यहाँ पे आइए जो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है क्या दिया है ये कहता है कि इन्फीम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और डिस्टेंस क्या है टी रेज टू पावर एन ऑफ एक्स का t टी रेज टू पावर एन वाई नॉट इक्वल्स टू जीरो अब यहाँ पे क्या है डिस्टेंस है क्या है डिस्टेंस है तो यहाँ पे क्या होगा अब ये इन्फीमम है लीस्ट अपर बाउंड को क्या बोलते हैं सुप्रीमम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को क्या बोलते हैं इन्फीमम ठीक है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मीन्स इन्फीम लिया गया है अब यहाँ पे हम अपना कुछ माइंड यूज करते हैं यन आपका क्या है यन के बारे में इन्होंने कुछ बताया नहीं है ठीक है बताया है यन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जो पॉइंट एन है वो कहाँ से बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है ठीक है अब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे एनएजिकोस टू वन क्या है एनएजिकोस टू वन ले लेते ले हैं ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा अब यहाँ पे एन एजिकोस टू वन वन ले लेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा टी एक्स टी वाई टी एक्स टी वाई के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी हमेशा क्या होगी ग्रेटर देनिकोस्ट टू होगी इनफिमम ऑफ दिस वैल्यू जो कि आपका क्या है जीरो के इक्वल नहीं है ठीक है तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इसका यूज करते हुए यहाँ पे और भी प्रोसेस है वो भी कर सकते हो बट हम सिंपलेस्ट वे में करने की कोशिश करते हैं एनर्जी एजिकोस टू वन वन लेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डिस्टेंस टी एक्स टी वाई और ये आपका क्या है नाटिकोस टू जीरो कौन सी डिस्टेंस इनफीमम वाली ठीक है तो इसका इनफीम भी ले लीजिए और यहाँ पे अब इसको छोड़ दीजिए एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन है ही नहीं तो यहाँ से क्या होगा ये क्वांटिटी आपकी ग्रेटर देन होगी क्या है इससे ग्रेटर देन कौन सी क्वांटिटी होगी डिस्टेंस होगा किसका किसका टी एक्स और टी वाई का ठीक है ये होगा और यहाँ पे जो है आपको पता होना चाहिए कि दो पॉइंटों दो पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस होती है डिस्टेंस आपकी कभी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकती और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जब पॉइंट आपका इक्वल नहीं है तो यहाँ से इनकी जो इमेज है जब पॉइंट इक्वल नहीं है तो उनकी इमेज भी सेम नहीं आएगी जब इमेज सेम नहीं होगी तो ये आपका नॉट इक्व टू जीरो की कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा वैलिड करेगा ठीक है तो यहाँ से जब ये क्वांटिटी इससे लेस है और ये क्वांटिटी आपकी जीरो के इक्वल नहीं है इसका मतलब जो है ये क्वांटिटी आपकी क्या होगी ग्रेटर देन जीरो होगी यहाँ से क्या होगा डिस्टेंस टी एक्स टी वाई ये आपका क्या हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो क्या है ग्रेटर देन जीरो दैट मीन्स यहाँ से ये क्लैरिफाई हुआ कि जो इमेज है पॉइंट एक्स और वाई की जो इमेज है ये इमेज सेम नहीं है यदि सेम होती तो उसकी डिस्टेंस जीरो आ जाती क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस आपकी नेगेटिव नहीं होती डिस्टेंस नेगेटिव भी नहीं है और जीरो भी नहीं है ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ से क्या होगा यहाँ से ये जो है मेट्रिक स्पेस की मेट्रिक फंक्शन या फिर मेट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी से क्या होगा यहाँ पे जो है आपको यक्स नॉट इक्वल्स टू वाई गिवेन था उसके अकॉर्डिंग आपने देखा क्या है क्या देखा आपने कि उनकी जो इमेज है उनकी इमेज भी आपको सेम नहीं मिल रही है क्या है इमेज भी सेम नहीं मिल रही है यदि इमेज सेम होती टी एक्स इज टू टी वाई होता तो डिस्टेंस ऑफ टी एक्स टीवाई इज इक्वल टू जीरो होता बट ऐसा कुछ नहीं है इसका मतलब जब आपके पॉइंट इक्वल नहीं है तो उनकी इमेज भी सेम नहीं आ रही है तो क्या होगा जो आपका ये तो आपका वन वन फंक्शन की डेफिनेशन ही है जब आपको टी एक्सोस टू टीवाई मिले क्या है या फिर इसका कंट्रापोजिटिव एक्स नॉट इक्व टू वाई होगा तो उसकी इमेज भी सेम नहीं आएगी ये भी आपके वन वन फंक्शन की ही डेफिनेशन है ठीक है दैट मीन्स जो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है वन वन फंक्शन है क्या है वन वन फंक्शन है ठीक है और ये कहता है टीज वन वन फंक्शन ये कहता है टीज नोटा वन वन फंक्शन ये आपका वन वन फंक्शन नहीं होगा तो क्या है वन वन फंक्शन है दैट मीन्स आपका फर्स्ट ऑप्शन ट्रू ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन क्या हो चुका रॉन्ग ऑप्शन हो चुका जस्ट आपको क्या करना था इसके अंदर चेक करना ये था कि ये वन वन है नहीं है क्या कुछ है ठीक है पहले और दूसरे में तो सिर्फ इसी के अकॉर्डिंग मीन वन वन है तो पहला ट्रू हो चुका दूसरा ऑप्शन आपका रॉन्ग ऑप्शन हो चुका तीसरे में बात करें तो इमेज ऑफ टीज क्लोज है अब एक रिजल्ट पे भी आपको यूज करना है क्या है रिजल्ट जब आपकी मैपिंग कॉन्टिन्यूस मैपिंग होगी तो क्या होगा क्लोज सेट की इमेज क्लोज सेट आएगा क्या है इमेज ऑफ क्लोज सेट इज आ क्लोज सेट अंडर आ कॉन्टिन्यूस मैपिंग कॉन्टिन्यूस मैपिंग के दौरान कंपैक्ट सेट की जो इमेज होती है वो क्या होती है कंपैक्ट सेट क्लोज सेट की इमेज क्लोज सेट होती है ठीक है ये आपका रिजल्ट रहा और यहां पे जो है हम लिखेंगे ठीक है इसको हम करते हैं रफ यक्स डी आपका क्या है कंपैक्ट है ठीक है तो यहां से क्या हो जाएगा इमेज ऑफ कंपैक्ट सेट इज कंपैक्ट अंडर आ कॉन्टिनुअस मैपिंग ये भी आपका रिजल्ट ही है अंडर आंटिन्यूअस मैपिंग ठीक है कॉन्टिन्यूस मैपिंग के दौरान जो इमेज होगी कंपैक्ट सेट की वो कंपैक्ट आएगी ओके इसका मतलब जो है यक्स आपका क्या है कॉम्पैक्ट सेट है तो उसकी इमेज दैट मीन्स टी ऑफ एक्स जो होगा वो भी क्या आएगा कम्पैक्ट क्या है कम्पैक्ट और कंपैक्ट की मीनिंग क्या होती है कम्पैक्ट है तो इसका मतलब वो क्लोज प्लस बाउंडेड है मेटरिक स्पेस की बात है तो वही रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं क्या है कंपैक्ट है तो वो क्लोज और बाउंडेड तो होगा श्योर sure है कि वो रहेगा ठीक है कम्पैक्ट है तो यहाँ पे जो है क्या इंप्लाई करेगा इस रिजल्ट की हेल्प से हमने ये लिखा कि उसकी इमेज क्या आएगी कंपैक्ट आएगी ओके तो यहाँ से क्या हो जाएगा टी एक्स इज क्लोज प्लस बाउंडेड ठीक है मीन्स जो इसकी इमेज होगी दिस इम्प्लाइज दैट टी एक्स इज क्लोज एंड टी एक्स इज बाउंडेड ठीक है ये रहा और ये कहता इमेज ऑफ टी दैट मीन्स टी ऑफ एक्स इमेज ऑफ टी मीन्स टी ऑफ एक्स इज क्या होगा क्लोज्ड इन एक्स क्या है इमेज इसकी क्या होगी क्लोज्ड होगी इन एक्स में यस yes. ये तो हमने इस रिजल्ट का यूज करते हुए बिल्कुल इजी वे में निकाला है कि जो इसकी इमेज होगी कॉन्टिन्यूस मैपिंग की जो इमेज होगी वो क्या होगी क्लोज होगी इसका मतलब आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है जो थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है ये भी आपका ट्रू ऑप्शन है और आएंगे आप, आप किस पे फोर्थ ऑप्शन पे कहता है इफ एक्स इज फाइनाइट देन टी इज ऑन टू जब एक्स क्या होगा आपका फाइनाइट होगा तो उसकी जो इमेज होगी मीन्स वो फंक्शन क्या होगा आन टू होगा ठीक है अब इसके ऊपर भी आपको रिजल्ट ही याद रखना है दैट मीन्स यदि आपको रियल एनालिसिस के क्वेश्चन को सोल्व करना है या फिर जो है आपको मैट्रिक स्पेस दैट मीन्स जो है लीनियर अल्जबरा के अंदर आपको मैट्रिक स्पेस के अंदर यदि क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आपको रिजल्ट याद रखने होंगे रिजल्ट की हेल्प से करोगे तो आपको ईजी मिलेगा क्वेश्चन का सोलूशन अदरवाइज जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है ठीक है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा फोर्थ ऑप्शन में देखिए कहता है इफ एक्स इज फाइनाइट इसके ऊपर रिजल्ट देखिए मैपिंग क्या है टी सच दैट एक्स टेंस टू एक्स और एक्स आपका क्या है यहाँ पे मेंशन करता है फाइनाइट सेट और रिजल्ट भी फाइनाइट सेट के ऊपर ही है ठीक है फाइनाइट सेट से लेकर के जब आपको फाइनाइट सेट के ऊपर कॉन्टिन्यूस मैपिंग हो ठीक है सेट फाइनाइट सेट से फाइनाइट सेट के ऊपर हो और ये मान लीजिए कि ये फंक्शन आपका वन वन है ठीक है इफ एंड ओनली इफ ऑन टू जब आपका टी फाइनाइट सेट से फाइनाइट सेट से जो क्या होगा मैपिंग होगी और मैपिंग आपकी यदि वन वन है तो वो मैपिंग आपकी आन टू होगी मैपिंग आपकी आन टू है तो वो मैपिंग आपकी वन वन ठीक है कब वैलिड है कब ये रिजल्ट आपका एप्लीकेबल है जब आपका सेट जो इट सेल्फ से इट सेल्फ पे मैपिंग है वो इट सेल्फ वाला जो सेट है वो आपका फाइनाइट सेट होना चाहिए यदि फाइनाइट सेट है तो उसकी जो टी ऑफ एक्स की वैल्यू होगी यदि आपका टी एक्स वन वन दैट मीन्स टी जो आपका फंक्शन है जो आपकी मैपिंग है वो यदि वन वन है तो वो आन टू भी होगी वन टू है तो वो वन वन है और ये आपका रिजल्ट भी है और रिजल्ट की हेल्प से आप ऑप्शन नंबर फोर्थ को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि जब आपका सेट फाइनाइट सेट होगा टी एक्स से लेकर के एक्स पे जब मैपिंग होगी तो आपने रिजल्ट यहाँ से देखिए फर्स्ट ऑप्शन में वन वन फंक्शन आपने चेक कर लिया कि वन वन है तो वो क्या होगा वो आन टू भी होगा बाय दिस रिजल्ट इस रिजल्ट की हेल्प से ठीक है तो यहाँ पे वन वन आपका है वन वन है तो ये क्या होगा आन टू ठीक है वन वन है तो ये आन टू भी होगा और फोर्थ ऑप्शन में कहता है फिर एक्स इज फाइनाइट देन टी इज आन टू क्या जो टी है जो मैपिंग है वो आन टू मैपिंग भी होगी हो यस वो आन टू मैपिंग का भी वर्क करेगी क्योंकि सेट वो आपका फाइनाइट सेट है जब इन्होंने फाइनाइट होता तो वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट होती बट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि टी आप एक्स जो है आपका फाइनाइट सेट है तो यहाँ से बाय रिजल्ट की हेल्प से ये वन वन है रिजल्ट का भी यूज करेंगे और इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट का भी यूज करेंगे और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा अन टू हो जाएगा दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इज इजाजह करेक्ट ऑप्शन यदि हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें क्वेश्चन नंबर सिक्सथ में तो आपका पहला तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो आपका रॉन्ग ऑप्शन है थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो